किराएदार को खाली करने के शक के चलते ससुर ने बहू को चाकू से मारकर गंभीर जख्मी कर दिया। ये मामला है कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत का, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े ने अधिक जानकारी साझा की। सहयोग नगर में मंगलवार की रात वाद विवाद के दौरान ससुर ने बहू को चाकू घोंप दिया। आरोपी ससुर के खिलाफ कपिल नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। सहयोग नगर निवासी रवि बंसोड़ अपने परिवार के साथ पिता के मकान में अलग कमरे में रहता है। कुछ दिन पहले उसके पिता ने किराएदार से कमरा खाली करवाया। जगह कम पड़ने से रवि और पत्नी प्रमोदनी ने उस खाली कमरे का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बात को लेकर मंगलवार की रात 8 बजे रवि का पिता गणेश बंसोड़ रवि और प्रमोदनी से गाली गलौज कर रहा था। वह उन्हें उस कमरे का इस्तेमाल करने से मना कर रहा था। इस बीच गणेश ने सब्जी काटने का चाकू लिया और बहू प्रमोदनी को घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सासरा जो आहे याने घर भाड्याने दिलेलं होतं, खालच्या याच्यावर तो सासरा राहा, सासरा आणि त्याची बायको असे परिवार खाली राहत होते। मुलगा आणि सुनबाई वरती राहत होते। मुलगा आणि सुनबाईच्या बाजूला जी शेजारी रूम होते तिथे भाडेकरू ठेवलेले होते सासऱ्यांनी। मात्र सासरा जो भाडेकरू ठेवलेला होता त्याला घर काढण्या खाली करायला रिकामं करायला सून आणि माझा मुलगा जबाबदार आहे या कारणाने या रागाने त्यांनी त्यांच्यासोबत झगडा भांडण केलं आणि सुनीला चाकूने मारलं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।